हेलो एवरीवन। तो अभी जस्ट मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करी हैं और मैंने सोचा कि चलो व्लॉग भी कर लेते हैं, बिकॉज मैंने जो लास्ट के दो व्लॉग्स करे थे ना, वहाँ पे कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मुझे व्लॉग्स रेगुलरली करने चाहिए। पर खैर, रेगुलरली तो मुझसे अभी भी नहीं हो पाएगा। हाँ, ट्रैवल व्लॉग है वो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि फिर मुझे भी मन करता है कि आप लोगों को भी साथ साथ मैं दिखा दूँ। वहाँ पे भी मैं वैसे बिजी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं अकेले ही ज़्यादातर ट्रैवल कर रही होती हूँ। पर अभी मैंने ये सोचा कि जब भी मुझे टाइम मिला करेगा ना, और मेरा मूड होगा, क्योंकि ना मेरा इतना मूड भी नहीं करता रहता हमेशा व्लॉग करो, यहाँ जा रहे हो वहाँ जा रहे हो, और फिर सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बिजी मैं इतना रहती हूँ, और कभी कभी मोमेंट भी ऐसा होता है ना कि आप खो ही जाते हो और आपको मन नहीं करता है व्लॉग करने का, तो इसलिए नहीं हो पाता है। पर हाँ, जब मैं फ्री रहूँगी और मेरा मन करेगा करने का व्लॉग, तो मैं ज़रूर करूँगी, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। और अभी सारी वीडियोस वगैरह मैंने कंप्लीट कर ली है, टाइम 11:30 बज रहे हैं रात के। और क्या, अभी मुझे चेंज वगैरह करना है, अपना मेकअप उतारना है, स्किन केयर करना है, तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं मुंह धोने के बाद कैसी लगती हूँ। मतलब ऐसे ही लगती हूँ यार, पता नहीं लोगों ने इतना क्या बना रखा है मेकअप में, ऐसा लगता है विदाउट मेकअप बना लो, जितना जिसको जो करना है ना कर लो, मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ना अभी अपना स्किन केयर करने के लिए जा रही हूँ। ईशान, अपना स्किन केयर करने से पहले अपने बाल बांध लिया करो, वरना गीले तो हो ही जाएंगे, क्रीम वगैरह भी लग जानी है इस पर, तो बाल ना खराब हो जाएंगे। और हम लड़कियाँ ना बाल नहीं धो पाते हैं डेली, तो हफ्ते में 2 ही दिन हम धो पाते हैं, और इस पर क्रीम लग गई ना तो हो गया इसका काम, फिर से धोने पड़ते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने बाल बांध लो कि आपके प्रोडक्ट ना कोई सर पे आपके स्कैल्प पे ना लग जाए। मेकअप हटा लिया है और आप देख सकते हो कि मेरा फेस कितना लाल पीला लग रहा है, इतनी रेडनेस हो रही है, बिकॉज आई हैव अ सेंसिटिव स्किन, ऑयली कॉम्बिनेशन सेंसिटिव, रेडनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो मुझे प्रोडक्ट्स भी ऐसे यूज करने होते हैं जो मेरी सेंसिटिव स्किन पर सूट करे। और आप देख ही सकते हो कि मेरा नेक कैसा लग रहा है, मेरा फेस कैसा लग रहा है। मेकअप हटाते टाइम भी ना, अभी मैंने फेस वॉश नहीं करा है, तो ना प्रेशर इतना पड़ता है ना कि फेस पर रेडनेस हो जाती है, और मैं थोड़ा सा टच वच भी कर लूँ ना फेस पर ऐसे, तो भी रेडनेस हो जाती है। तो प्रोडक्ट भी उसी हिसाब से यूज करना होता है जो सेंसिटिव स्किन को सूट करे और मेरे एक्ने को भी कंट्रोल में रखे। सो राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस डर्मावाइव हाइड्रा क्लेंजर, इट हैज ओट मील, एंड ये मैंने पहले भी यूज करा हुआ है काफी बार, और ये मुझे इतना सूट करता है ना मेरी सेंसिटिव स्किन के लिए, ऑयल कंट्रोल भी करता है, एक्ने भी इससे कंट्रोल में रहते हैं, और स्किन ड्राई आउट भी नहीं होती है। तो जेल बेस क्लेंजर है ये, और अच्छे से मेरा फेस क्लीन हो जाता है। और मुझे जब कोई ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज करना होता है ना, क्योंकि इसके बाद मैं सीरम यूज करूंगी, तो मुझे ना अपने फेस वॉश में और मॉइस्चराइजर में ऐसे कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए जो उसके रिजल्ट्स को कम कर दे या रिएक्ट कर जाए। अगर जैसे मैं रेटिनॉल अभी यूज करूंगी, क्योंकि आफ्टर दिस आई विल यूज अ रेटिनॉल सीरम, तो ये फेस वॉश बिल्कुल परफेक्ट रहता है। आप कोई भी सीरम यूज करें, विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड, रेटिनॉल यूज करें, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, किसी भी स्किन कंसर्न के लिए आप कोई प्रोडक्ट यूज करें, उससे पहले जो आप फेस वॉश यूज करें और मॉइस्चराइजर, तो वो ऐसा ही होना चाहिए जो उसके साथ रिएक्ट ना करे। कहना ऐसे जेल टेक्सचर है ऐसा, जो मेरे स्किन को बहुत सूट करता है, और मैं इसे सुबह में भी यूज़ करूँ, रात में भी, मैंने मेकअप हटाकर भी इसको अभी जैसे मैं यूज़ करूँगी ना, तो फेस अच्छे से क्लीन हो जाता है। फेस हो गया है क्लीन बहुत ही अच्छे से, कोई भी मेकअप रेसिड्यू नहीं लगा हुआ है मेरे फेस पर। और अब ना मैं सीरम लगाऊंगी, तो रात के टाइम ना मैं ये रेटिनॉल सीरम यूज़ करती हूँ, तो इसके कुछ ड्रॉप्स मैं फेस पर लगाऊंगी, फिर अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइजर। अब बारी आती है मॉइस्चराइजर की, तो ये न्यूट्रीडर्म का विटामिन ई मॉइस्चराइजर मैं यूज करती हूँ इसके बाद, और इससे बेस्ट ना कुछ भी नहीं है। मैंने इतने सारे मॉइस्चराइजर्स यूज करे हैं, और मुझे कोई ऐसा सेफ मॉइस्चराइजर अपने फेस के लिए एक सेलेक्ट करना होना, तो वो न्यूट्रीडर्म ही रहेगा। मैंने पहले भी, मतलब मैं कितने सालों से ये यूज़ कर रही हूँ, मैंने अपने टॉप 5 मॉइस्चराइजर्स में भी इसको इंक्लूड करा था। रीज़न इसका एक तो यही है कि मेरी सेंसिटिव ऑयली एक्ने प्रोन स्किन को सूट करता है, मतलब ये हर स्किन टाइप वालों को सूट करता है, ड्राई स्किन हो, सेंसिटिव हो, रेडनेस हो, फेस पर ऐसे कोई एलर्जी वगैरह हो जाती है ना, उनको भी सूट कर जाता है। मेरे जब भी जैसे कोई इचिंग वगैरह हो जाती है ना, रैशेस पड़ जाते हैं, तो मैं ये मॉइस्चराइजर थोड़ा सा अप्लाई करती हूँ और वो ठीक हो जाता है कुछ ही मिनटों के बाद। तो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, इसे किसी भी सीजन में लगाओ, किसी भी सीरम के ऊपर लगाओ, ये सूट करेगा ही आपको।
इसकी रेडनेस धीरे धीरे कम हो गई है, इसलिए ना मुझे ये मॉइस्चराइजर और फेस वॉश इतना पसंद है, क्योंकि ना मेरी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है, थोड़ा सा भी हाथ लगाओ ना जैसे मेकअप हटाना होता है, फिर फेस वॉश भी जब मैं करती हूँ ना और सीरम भी अप्लाई करती हूँ तो इतना फेस रेड हो जाता है, और फिर 10 to 15 मिनट्स के बाद अपने आप थोड़ा सा ठीक हो जाता है। तो देखो ये रेडनेस चली गई है और हो गया है मेरा स्किन केयर। और बॉडी पर भी ना मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ, तो उसके लिए ये मैं डर्मा वाइव का मॉइस्चराइजर विद नेचुरल कोलाइडल ओट मील, पीएच भी आपका इससे बैलेंस रहता है और ये एक्सट्रीम ड्राई स्किन कंडीशन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये बॉडी मॉइस्चराइज़र मैं अपने हाथों पर लगा रही हूँ और जहाँ पर भी मुझे ड्राइनेस लगती है ना, स्पेशली उन एरिया पर जहाँ पर मुझे इचिंग होती है, क्योंकि जब हम गर्म पानी से नहाते हैं ना विंटर्स में, तो खुजली इतनी ज़्यादा होने लगती है ड्राइनेस की वजह से। तो इसे अच्छे से मैंने अपनी बॉडी पर लगा लिया है और फिर नेक्स्ट डे ना मुझे लाजपत नगर मार्केट जाना था, सेंट्रल मार्केट, क्योंकि मेरी फ्रेंड की शादी होने वाली है तो उसका वेडिंग लहंगा देखना था वहाँ पर। प्रियंका किधर हो तुम? ये ले तेरे लिए फ्लावर्स लाई हूँ, मैं लेट हो गई। ये मेरी फ्रेंड प्रियंका, इसकी शादी होने वाली है, इसका लहंगा देखने के लिए आए हैं। तो लाजपत नगर में ना हम लोग बहुत सारे स्टोर्स पर गए, बॉम्बे सेलेक्शन, मल्होत्रा, कशिश, पर कहीं पर भी ना हमें कुछ ऐसा एक्सेप्शनल नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि अच्छे लहंगे नहीं मिल रहे थे, दे वर रियली ब्यूटिफुल, बट उसको कुछ हटके चाहिए था, सो वी वर ट्राइंग टू फाइंड दैट एंड वैसा हमें कुछ मिला नहीं। तो उसकी तसल्ली के लिए कि उसको बस देखना था कि वहाँ पर क्या क्या कलेक्शन है, तो वो सब हमने देखा। कुछ हमने फिर ज्वेलरीज भी देखी, और ज्वेलरी की ना एक और वहाँ पर स्टोर है, दैट इज़ सफायर, सोनी सफायर्स करके, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिफिशियल ज्वेलरीज मिलती है, बहुत सुंदर कलेक्शन, बहुत अच्छा कलेक्शन। मैं वहाँ पे जल्दी जाने वाली हूँ क्योंकि मुझे कुछ ज्वेलरी लेनी है। और ये मार्केट में हम लोग थोड़ा सा ना फैब्रिक वगैरह भी ढूंढ रहे थे, यहाँ पे फैब्रिक्स भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं लाजपत नगर में, अगर आपको लहंगा बनवाना है, साड़ी बनवानी है। यंग अभी देखो हम थर्ड ईयर हुई है। हाँ ठीक है, समझ गई। अच्छा ठीक है, मेरे से अब नहीं होगा व्लॉग, या अदर मैं थक गई, मैं परेशान हो गई, मैं दब वब जाऊंगी यहाँ पे। हाँ ठीक है, फिर हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया नहीं था और हम लोग खाने के लिए रुके राम लड्डू, बहुत ही फेमस है यहाँ पर, तो हम लोग ऊपर ही बैठकर खा रहे थे। वैसे मैं इतना जंक खाती नहीं हूँ, पर खा लिया और उसके बाद मेरे पिंपल भी निकल गए। या मुझे थोड़ी सी मूली चाहिए, खत्म हो गए। देखो छोले भटूरे भी आ गए, आज बहुत सारा जंक खाएंगे। और इसके बाद हम लोग साउथ एक्स भी गए देखने के लिए, पर वहाँ पर भी हमें इतना कुछ पसंद नहीं आया। फ्रंटियर पर बहुत अच्छे लहंगे थे बट ओवर प्राइस थे। फर्स्ट मार्केट से घर पहुंची हूँ और यहाँ पर मेरे फ्लोर पर ना पूरे कपड़े बिखरे हुए, बिखरे नहीं तय करके रख दिए थे मैंने, जो मेरी हेल्पर है उसको बोला था कि इन सबको पूरा सेट करने के लिए। तो ये मेरे विंटर्स के कुछ कपड़े यहाँ पर है, और दूसरी कबर्ड में भी है, इधर तीसरी कबर्ड में भी है, और बेड के अंदर भी है, जो मेरे फर कोट्स वगैरह है कुछ, और बाकी ऊपर भी पड़े हुए मेरे बहुत सारे ब्लेजर्स और ऐसे कोट्स हैं जो मैं डेली बेसिस पे नहीं पहनती हूँ, तो वो सब मैंने ऊपर रख दिया। मतलब इतने कपड़े हैं और तब भी जगह कम पड़ जाती है। तो हुआ क्या ना कि आज मैं एक स्वेटर ढूंढ रही थी, यही वाला मुझे ग्रीन पहनना था, वैसे तो बहुत ही पुराना है, हो गए होंगे इसको 4-5 साल, पर मुझे ग्रीन पहनना था क्योंकि आज वेंसडे है। तो इसको ढूंढने के चक्कर में ना ये सारा निकल गया, वैसे ढंग से कपड़े पड़े भी नहीं हुए थे, और मुझे इसमें से बहुत सारा सामान निकालना भी है, किसी को देना है, क्योंकि अब मुझे आता नहीं है, मेरा वेट बढ़ गया है।
तो इसलिए जो चीज़ें मुझे नहीं आती है, जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो एटलीस्ट मैं किसी को दे दूँ, किसी और के काम आ जाएगी। तो अभी ये मुझे सेट करना है, फिर उसके बाद मुझे पूजा करनी है। आज मुझे मॉल जाना है और बहुत सारा सामान वापस करना है, वहाँ पर बैग्स पड़े हुए हैं ज़ारा के। तो टोटल पता है कितने का सामान मुझे रिटर्न करना है? 30 या 31,000 समथिंग का। तो शॉपिंग तो मैंने बहुत सारी कर ली थी और सामान इतना है ना, मतलब 8-10 तो फुटवेयर ही है, क्योंकि मेरे पैर का ये प्रॉब्लम हो जाता है, 2 नंबर है 35। तो कोई मुझे फुटवेयर अच्छा लगता है और मेरा साइज़ भी मिल रहा होता है ना, तो मैं खरीद लेती हूँ। पर पतला भी इतना पतला है कि अगर सामने से कई ऐसे फुटवेयर होते हैं जो खुले रहते हैं ना, तो उसमें से मेरा पैर निकल जाता है, हील ज़्यादा होती है। तो ग्रिप थोड़ी सी मुझे अगर टाइट हो तो ठीक लगता है, वरना लूज रहता है तो मेरे पैर में नहीं आ पाता है। तो इसलिए बहुत सारा सामान मुझे अभी वापस करना है और मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ। मैंने कुछ नहीं करा है, सनस्क्रीन लगाया बस और लिपस्टिक लगा ली है। रेड इसलिए लगाया क्योंकि रेड बेचारी ना पड़े पड़े थक जाती है। मैं इतनी न्यूड और ब्राउन्स लगाती हूँ ना, तो सोचा मैंने कि यार चलो रेड लगा लेते हैं। सारा पर ना एक्सचेंज कराने के बाद मैंने कुछ जीन्स और ड्रेसेस देखी। ये जीन्स लेने का मैं सोच रही थी, पर ना आजकल मैं जीन्स पर इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ क्योंकि मेरा पेट निकल गया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे अनकंफर्टेबल सा लगने लगता है। और देखो ये स्टोर ना उस टाइम कितना खाली था, लाइन भी देखो इतने लोग भी नहीं है वहाँ पर, वरना यहाँ पर तो 2-2 किलोमीटर की लाइन लगी रहती है। और ये ब्लेज़र मैं ट्राई कर रही थी, ये बहुत सस्ता था, पर मुझे ऐसा नहीं चाहिए था इस लुक में, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, इसमें गोल्डन बटन्स थे, मेरे पास ब्लैक बटन में, फिर भी मुझे वर्थ नहीं लग रहा था। फिर ये वाला ब्लेजर भी मैंने ट्राई करा, ये मुझे ऐसे फिटिंग तो अच्छी आ रही थी पर फिर इसके बटन्स लग नहीं रहे थे। और फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड और उसकी मम्मी मिल गई थी, तो हम लोग कुछ खाने के लिए, लंच वगैरह करने के लिए बैठे। और फिर उसके बाद मैंने Forever 21 पे भी कुछ कपड़े ट्राई करे और उसके बाद मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, फिर मैं घर आ गई। हैव जस्ट रीच्ड होम। तकरीबन 6-7 घंटे में मॉल में ही थी, पहुंच तो मैं 12:30 बजे गई थी, अभी 7:15 हो रहे हैं, 7 बजे मैं घर भी पहुंच गई थी। तो हाँ 6.5 घंटे। और मैंने ना तुरंत ही एक्सचेंज करवा लिया था ज़ारा से ना, लाइन इतनी थी नहीं, मैंने क्लिप्स में भी आपको दिखाया होगा ना, तो मैं 2nd नंबर पर ही थी। पर मेरा सामान इतना ज़्यादा था ना, तो जो लोग मेरे पीछे थे वो बेचारे परेशान हो गए थे। अराउंड 25-30 हज़ार रुपये का सामान वापस करना था, ड्रेसेस थी, फुटवेयर थे इतने सारे, तो वो सब वापस करवाए। टाइम पता है कहाँ पर लग गया? ये जो वसंत कुंज का ज़ारा है ना, उन्होंने नया एक सिस्टम निकाला है वहाँ पे, फिर भी मुझे 1 घंटा लग गया। क्योंकि जब मैंने वहाँ से कुछ और आज की जो शॉपिंग करी ना, कुछ और 3-4 चीज़ें मैंने लिए थे कपड़े, हॉल में दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया है, तो उसकी जो बिलिंग करवानी थी तो उसमें कुछ ऐसा इशू आ गया। उन्होंने ना अलग से एक सेपरेट काउंटर निकाला है, एक तो जो कैशियर वगैरह करते हैं वहाँ पर होती है बिलिंग एक्सचेंज वगैरह, दूसरा उनका एक सेपरेट काउंटर है वहाँ पे, 3-4 उन्होंने सिस्टम लगा रखे हैं, वहाँ पे कपड़े डालो तो उनके प्राइजेस आ जाते हैं, फिर कार्ड लगाओ वहाँ पे या तो स्कैन करो ऐप के थ्रू और फिर आपका बिल वगैरह सब निकल जाता है। तो उसमें कुछ अटक गया था, तो वहीं पर अराउंड आधा घंटा 40 मिनट्स लग गए थे। फिर मेरी फ्रेंड भी मिल गई थी और उसकी मम्मी भी थी, तो हम लोग फिर वही गॉसिप वगैरह करने लगे, हमने लंच करा, तो उनके साथ भी मैंने 2-3 घंटे स्पेंड करे। और फिर मैं Forever 21 गई, H&M गई, मैंने कुछ फुटवेयर भी लिए हैं। फुटवेयर का तो रीज़न आप लोग को पता ही होगा कि मेरा पैर इतना छोटा है, तो मुझे कुछ अच्छा वेयर मिलता है ना तो मैं ले लेती हूँ, वो वैसे सेल पे था नहीं, तो उसका भी मैं हॉल करूँगी। तब ये सारी चीज़ें आप लोग देखना। और इस व्लॉग को मैं अभी यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा मुझे रखना नहीं है, ठीक है? तो चलिए अब बस इसको ओवर करते हैं, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।